एक बार मतलब दिखाइएगा। एक आवाज़ आई है मुझे अभी। अब दोस्तों को बता दें जी कि यहाँ पर ये कुछ जानवर बंधे हुए हैं और मगरिब से पहले आए थे। उस वक्त भी मुझे यहाँ पर ना एक्टिविटीज़ जो हैं वो महसूस हुई हैं, आवाज़ें आ रही थी चीज़ों के हिलने की। इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि शोर काफ़ी था, ट्रैफिक थी, इस वजह से जो है वो प्रॉपर जो है वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। लेकिन महसूस हो गया था मुझे कि जिस तरह उन्होंने हमें बताया है वैसा ही कोई कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पर ये कुछ जानवर हैं, इनको हमने चारा वगैरह डाला है। कल रात उनके साथ इस किस्म के मामलात हुए हैं। ज़रा ये मज़ा भाई, अभी हम अंदर आए हैं, अच्छी खासी आवाज़ आई है, इसलिए मैं इंट्रो भी नहीं करवा सका प्रॉपर। मेरा सांस फूल गया, वो ऐसी खौफनाक आवाज़ थी। जानवर का पूरे है ना, ये ठीक है। अल्लाह अकबर, ये तो अभी ये क्या हुआ मज़ा भाई? जैसे ही हम अंदर यहाँ आप गुजरे हैं, यहाँ से आप अभी गुजरे हैं, तो मुझे यहाँ पर लाइट जला लेने दें। क्या कोई आपका पाँव लगा है? क्या हुआ क्या? नहीं, मैं तो पास से भी नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर, ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, आवाज़ आई है अभी। जल्दी से मैं बता दूँ, ये देखें, ये चारपाई पड़ी है मज़ा भाई, ये चारपाई वही पड़ी है। यहाँ पर उनका मुलाजिम जो है वो लेटा हुआ था और उसकी जो चारपाई है उन जिन्नात ने जो है वो पलट दी है। ये आवाज़ आई है, आवाज़ आई है अभी, बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी ये। यहाँ पर वो बता रहे हैं जी कि वो लेटा हुआ था, उसे कुछ आवाज़ें महसूस हुई, ऐसे बच्चों की आवाज़ें होती हैं ना, वैसी आवाज़ें उसे महसूस हुई हैं। उसने कहा मेरा वहम है, शायद मैं नींद में हूँ। वो दोबारा सोया, उसके बाद फिर आवाज़ें आई हैं, औरतों की और बच्चों की एक साथ आई हैं, उसने हमें यह बताया। और उसने बताया कि जब मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरी चारपाई के इर्द गिर्द 6 से 7 मखलूकात काले स्याह रंग की, 1 से 1.5 फीट उनका कद है, वो ऐसे चक्कर लगा रही थी। कहता मेरी आवाज़, मैंने चिल्लाया, उन्होंने चारपाई मेरी पलट दी, उल्टा दी। उए 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 बिल्कुल आस पास आबादी है जी, आबादी के दरमियान में ही है। और उन्होंने मुझे तकरीबन उनकी रात, कल रात 3:30 बजे मुझे कॉल आई है, 3:30 बजे के लगभग। उन्होंने कहा शरबी आपने आना है सुबह, लाजमी आना है, हर हाल में आना है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, ताकि जो हमारा वो मुलाजिम जो है वो क्या, वो जो कह के क्या है, क्या वो सही है, वो ठीक है, तो इस चीज़ को आप हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। और मुझे महसूस हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। मतलब इधर कोई चीज़ है, कोई चीज़ है यार शरी भाई। मुझे ना इधर महसूस हुआ जैसे ना कोई चीज़, बल्ला आलम की वो चीज़ जो है वो मेरा कैमरा उस साइड पे था या नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे ना कोई चीज़ यहाँ पर ऐसे। इधर ये कुछ दरख्त भी हैं, नीम का और बेरी का दरख्त है। कोई है इधर? कैमरा था आपका, कैमरा था आपका इधर मतलब भाई।
भाई आपकी तरफ ही कहना है। कुछ महसूस हुआ आपने, कुछ देखा इधर यहाँ पर? यार मैंने ये ग्लासेस पहनी हुई, इसका शेड बड़ा, मुझे कोई है अंदर? मुझे लग रहा जैसे कौन है? भाई वहाँ पे कोई चीज़ है, मैंने आपको बताया कोई चीज़ है, कुछ ना कुछ। अल्लाह अकबर। फिर भी थोड़ा सा पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाए। आपको बोलना हुई 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 हार्ट बीट मेरी तेज हुई, मां तक दाखिल हुए थे ना मदर भाई, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि जैसे वो मखलूक बहुत गुस्से में अंदर तोड़ फोड़ कर रही है। सर भाई ये एरिया है, ये सारा एरिया पड़ा है, लेकिन इस जगह आपने गंदगी देखी है कितनी ज्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे, आप दोस्त भी देखो, ये दरख्त है, झाड़ियाँ हो गई हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे इस जगह पर, इस पोर्शन में अरसा दराज से कोई ना गया हो। मदर भाई यहाँ से आइएगा, आवाज आ रही है, यहाँ से आइएगा, आवाज आ रही है, खौफनाक आवाज है। लेकिन से बात कर सकते हैं आप बगैर नुकसान, बगैर नुकसान? शरीफ भाई जैसे ही आप पूछते हैं ना हमसे बात करने का, वो मखलूक जैसे गुस्से में आ जाती है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं, जिस किस्म की आवाज़ आई है ना घुर्राने की, गुस्से वाली, शरी भाई आप जैसे ही पूछते हैं ना उनसे, भाई मैं आपको ये कंफर्म बता दूं, ओए होए होए ये देख, ये मेरे कैमरे में आई थिंक रिकॉर्ड हुआ, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं ना ये बात कर, ये बात करने लगे कि उस मखलूक का ना, जहाँ तक मेरी जजमेंट है, ये इतना है एरिया उसी का है, ये दरख्त भी उसमें आ रहा है, हो सकता है ये वाले जो, ये देखो इधर 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मूवमेंट हुई है, उस भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। देखो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? देखिए मैं अंदर आ रहा हूँ, नुकसान वो चीज़ अभी से इतना नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है भाई, जब हम अंदर जाएंगे तो क्या होगा? आपको बता दूँ जो मुलाजिम भाई यार, वो मखलूक कितने गुस्से में आए यार, जैसे उसका हमारा अपने पास आना अच्छा नहीं उसको महसूस हो। सर भाई उस मुलाजम से कोई ना कोई गलती हुई है, उसने बातें छुपाई हैं हमसे, मैं बता दूँ इस तरह का गुस्सा मखलूक तब करती है जब कोई ना कोई इंसान से गलती हुई हो। अब उसने छेड़खानी की। आपको एक और बात बता दूँ, नोट किया, इसके बिल्कुल पास वॉशरूम है, यहाँ पर ये वॉशरूम है, अब उसने पता नहीं कोई गलती की है या क्या किया है, इसके नीचे, इस दरख्त के नीचे, वल्ला आलम जहाँ तक देखिए मैं अंदर आ रहा हूँ,
बग़ैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ से चले जाएंगे। वो चीज़ हमें नहीं अंदर जाने देगी। भाई अंदर ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। अल्लाहु अकबर, ये हार्ट भी तेज हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों को भी बता दूँ, कंफर्म बात है, ये लिमिट है मज़हर भाई, ये उसकी लिमिट है। बाकी का एरिया एक बार रोटेट कीजिएगा, एक बार रोटेट करके दिखाइएगा, बाकी का एरिया आप देखें बिल्कुल साफ है, ठीक है। गंदगी इसी जगह क्यों है इतनी ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो इससे आते ही नहीं है। और ये बात हमसे छुपाई गई है, मुझे लग रहा है दरवाजा टूटा हुआ है, वो जाली लगी हुई है, ऊपर है नीचे नहीं है। ये देखो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। देखिए हम अंदर आ रहे हैं, या तो आप सामने आ जाएं या हमें अंदर आने दें। यार शरीफ भाई, जैसे वो चीज़ हमें आज अंदर नहीं जाने देगी, अपने पास नहीं आने देगी, वो बहुत गुस्से में है वो मखलूक। शरीफ भी आपकी तबीयत तो ठीक है, रो के खड़े हो गए। अच्छा भाई, भाई लोहे लोहे की आवाज़ थी ना, लोहे की आवाज़ थी। मैं ये बात मैं वहाँ पर खड़ा भी कर सकता था, ये वहाँ बात खड़े होकर भी कर सकता था। बहुत इन्वेस्टिगेशंस की हैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की हैं, कभी भी किसी मखलूक ने इस तरह बोलकर जवाब नहीं दिया। साफ आवाज़ आई है कि चले जाओ। उस मुलाजम ने कुछ ना कुछ किया है जैसे नुकसान पहुँचाया है, वरना कोई भी मखलूक इस कदर गुस्से में नहीं आती। शरीफ भाई अभी वो कौन खड़ा है, वो कौन खड़ा है, साइड पे हो गया, साइड पे हो गया, साइड पे हो गया, साइड पे हो गया, साइड पे हो गया। ये भी इधर से चलते हैं, ये वॉशरूम, ठीक है, वो देखें, ये लिमिट है, ये लिमिट है, मैं बता रहा हूँ, ये लिमिट है, ये देखें, ये वॉशरूम, ये लिमिट है, यहाँ पर ये देखें। गंदगी चेक करें यार कितनी है, अंदर लोहे के राड की आवाज आई थी। ओए होए शेरी भाई, चलते हैं यार यहाँ से। भाई यार आपको भी पता है कि पहले कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बात आपकी दुरुस्त है, मतलब जाना ही बनता है। सर भाई अंदर क्या जाए यार, अंदर जा ही नहीं सकते। देख रहे किस तरह पत्थर दीवारों में लग रहे, ऊपर छत पे, ये भी छत पे जाके लगा दे मेरे सामने, यहाँ पर पता नहीं वो रहा। पीछे 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 एक
चीज़ तो कंफर्म है कि वो जानवरों को कुछ नहीं कहेगी, ये मैं बता दूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये भी वो सामने ही देख रही है। हाँ, ये उधर ही देख रही है यार। जानवरों को पता चल जाता है मज़र भाई, जानवरों को पता चल जाता है। जानवर वो चीज़ें देख सकते हैं जो आम इंसान की आंख नहीं देख सकती, इनको नज़र आ जाते हैं। उधर भैंस बंधी हुई है, वो मुसलसल बोलती चली जा रही है, देखें, क्योंकि उस चीज़ को भी नज़र आ रहा है। ये देखें, ये उधर क्यों देख रही है, ये उधर क्यों देख रही है। मेरी ना हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, इसलिए कुछ देर के लिए लोकेशन से बाहर चले गए थे हम। मेरे साथ कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, और इस तरह प्रॉपर आवाज़ में कोई मखलूक आपको कहे कि जी चले जाओ। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत गुस्से में, तो मेरे ना इस जगह पेन हो रहा है मुसलसल। बस एक बार मतलब ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँ, यकीन जानिए। इस लोकेशन के अंदर आए दर्द शुरू हुआ है। आसपास भी ना ख्याल रखिएगा। कोई है? जैसे कोई चीज हो अंदर, ये देखिए। नजर भाई, ये नजर है, पीछे रहे, पीछे ही 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 रहे। कोई है चीज अंदर, दिखाना चाहता मैं दिखा सकता था, लेकिन मुझे कंफर्म पता है वो चीज़ इस वक्त है गुस्से में। दिखाने अंदर गया, कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे तो जान से हाथ भी धो सकते हैं। है उसके हाथ में जैसे लोहे का राड नहीं, यहीं पर रहिएगा, यहीं पर आप, यहीं पर रहिएगा, यहीं पर रहिएगा। अरे भाई एक सेकंड रुक जाए ना, वैसे अकेले आगे होते, यहीं पर रुक जाए। देखिए मैं अंदर आ रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो सामने आ सकते हैं किसी भी शक्ल में। रिकॉर्ड तो करो यार, रिकॉर्ड करो, हल्लो ये रिकॉर्ड करो, हल्लो ये क्या हो गया।